आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के जालौन में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए जालौन में एक नए तरीके से अपराध कर रहे दो वाहन लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभी भी फरार है। पुलिस ने लुटेरों के पास से दो अवैध तमंचा व चार जिंदा कारतूस व एक बेशकीमती मोबाइल एवं 1500 रुपए नकदी बरामद की है। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि ये लुटेरे बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो कि हाईवे पर रोड चलते हुए भारी वाहनों ट्रक आदि से ओवरटेक करके अपनी चार पहिया वाहन आगे निकालते थे। इसके बाद उनको रोक कर गाली गलौज और मारपीट कर तमंचे के बल पर लूट लेते थे या अपनी गाड़ी में छोटा सा नुकसान दिखाकर मोटी रकम वसूलते थे। शिकायत पर थाना अध्यक्ष कुठौत ने जाँच करते हुए मुखबिर की खास सूचना पर मदारीपुर सिरसा कलार रोड पर वाहन लुटेरों को मय बोलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त आसूर प्रिंस वर्मा का भी लंबा चौड़ा इतिहास है, जिसके खिलाफ थाना कुठौत में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये दो अंतर्राज्यीय लूट का गिरोह है, जिसमें कि ये दो लोग हैं, महेश चंद और अंशु उर्फ प्रिंस। इसमें अंशु उर्फ प्रिंस का बहुत बड़ा लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें लूट के घटनाओं में, तमंचे में और फ्रॉड में ये पहले भी जेल जा चुका है। इस पर गैंगस्टर भी है। इन लोग की मॉडल्स ऑपरेंडी रहती थी कि ये अपनी बोलेरो से या गाड़ी से चलते थे और उसके बाद किसी ट्रक को ओवरटेक करते समय ये लोग उस पर खरोच मार देंगे और खरोच मारने के बाद फिर ये ड्राइवर से बहस करेंगे, कहेंगे कि तेरी वजह से ये हुआ है, उसके उसको तमंचा दिखा के उसको लूट के ये लोग चले जाते हैं। तो ऐसी कई घटना हुई इनके द्वारा और इसमें ही जब ड्राइवर ने फ़ोन किया पुलिस को तो मौके पर इनको हमने पीछा किया और इनको फिर कुठौन थाना क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें हमारी टीम जो है थाना कुठौन की और जो क्षेत्राधिकारी हैं जालौन, इनकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे गेम का खुलासा किया है। इनके पास से दो तमंचे, चार कारतूस, एक बोलेरो, 1500 रुपये और एक मोबाइल सैमसंग का मिला है और इसमें जो बाकी लोग वांछित थे उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी।